आपकी इनिशियल हाइट क्या थी? 161 एंड हाफ हो गई है। आपने मोनोरेल क्यों चूज किया कि मुझे तो अभी आप वॉक कर पा रहे हैं? हेलो, आई एम डॉक्टर नवीश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो टीम। सो हमारे साथ एक और सक्सेसफुल स्टोरी है जिन्होंने अभी अपना 7.5 कंप्लीट किया है। इनको अराउंड 4 मंथ्स हो गया है, फ्रेम उतरे हुए 1 मंथ अराउंड हो गया है। तो अभी तक का इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि अभी तक ऑल ओवर इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है लेंथनिंग और फ्रेम उतरने के बाद से। हाय, मैं हाइट इंक्रीज इन्फो टीम का पेशेंट हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी सर्जरी 10 फेब को हुई थी और ऑलमोस्ट मुझे अभी 4 मंथ कम्प्लीट हो चुके है। मैंने लेंथनिंग में मोनोरेल फ्रेम सिलेक्ट किया था और ये सिलेक्ट करने का रीजन यही था कि मुझे इसमें कंफर्ट ज्यादा लगा, इसलिए मैंने आपकी इनिशियल हाइट क्या थी? इनिशियल हाइट मेरी 153 एंड हाफ थी। अभी मैंने अचीव किया है 75 mm। ऑलमोस्ट मेरी अभी हाइट ना 161 एंड हाफ हो गई है। सो आपका इसके बिहाइंड रीजन क्या था? आपने क्यों चूज किया कि आपको हाइट इंक्रीज करानी है? ऐसा क्या आपको? मुझे पहले से ही लगता था कि मेरी हाइट कम है, इसलिए मैंने हाइट बढ़ाने का सोचा था और हाइट इन्फो की सर्च किया तो आया था। आपने कैसे रिसर्च किया कि मुझे हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ में ही जाना है? वीडियोस देखे थे, काफी सारे सक्सेस स्टोरीज देखी थी यूट्यूब पे और रिसर्च भी किया था बहुत सारा। फिर आप कंसल्टेशन के लिए आए? कंसल्टेशन के लिए आए थे, यहाँ लाइव पेशेंट देखे थे, सबसे बातचीत हो गई, बाद में मैंने हाइट इंक्रीज इन्फो टीम के साथ जाने का सोचा। आपने मोनोरेल क्यों चूज किया कि मुझे मोनोरेल ही कराना है? मुझे एलिजराव फ्रेम से कंपेयर किया तो ये थोड़ा इजी लगा और पूरा ऐसा राउंड फ्रेम नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कंफर्ट लेवल इसमें ज्यादा होगा। मैं इसलिए मोनोरेल के साथ ही गया। मोनोरेल आपने चूज किया, तो मोनोरेल में आपको क्या कंफर्ट रहा है? मोनोरेल और एलिजारो को अगर आप कंपेयर करें तो मोनोरेल में कैसा आप एक्सपीरियंस बताओगे? मुझे पूरा पैर ऐसा मेरा फ्री लगा पूरे जर्नी में ना। एलिजारो का पूरा ऐसा राउंड होता है, इसमें थोड़ा कंफर्ट लेवल ज्यादा था। एक साइड में मैं पूरा ऐसा सो जाता था, सोने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसमें कंफर्ट ज्यादा था। इसका डिसएडवांटेज अगर आप बताना चाहें? हाँ, इसमें ये है कि सैंडल थोड़ा अच्छे से पहनने नहीं आता, सैंडल आप टाइट नहीं कर सकते। हाँ, टाइट सीधा ज्यादा नहीं रख सकता था, वही एक है रीजन। सिर्फ वही रीजन है। और अगर स्कार्स से आप कंपेयर करें? स्कार्स के होल तो थोड़े इसके बड़े लगे मुझे काफी एलिजराव से, क्योंकि इसकी पिन साइड थोड़ी बड़ी थी एलिजराव से। सो ऑल ओवर अगर आप एक्सपीरियंस बताएं, आपका ये लेंथनिंग टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे? जर्नी तो ऐसी थोड़ी बहुत थोड़े दिन के लिए हार्ड होती है, बट वो ये कि थोड़े दिन बाद मैनेजेबल भी है। एक्सरसाइज वो शुरू हो जाती है तब चीजें सही हो जाती है। पेन होता है बट ये ऐसा पूरा दिन ही नहीं रहता, थोड़े समय के लिए वो पेन रहता है, मैनेजेबल है। मैनेजेबल है पेन। इनिशियल स्टेज की अगर बात करें ऑपरेशन के बाद से, आपको कैसा रहा है? डिस्कम्फर्ट रहा था? डिस्कम्फर्ट लेवल तो पहले 3-4 दिन ही ज्यादातर डिस्कम्फर्ट होता है, बाद में चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, खुद से हम कर सकते हैं। और यहाँ पे ना केयर टेकर्स वो सारे हैं, हेल्पफुल है, बहुत सारे बंदे हैं जो कि कॉल करने पर आ जाते हैं, 24/7 अवेलेबल रहते हैं, इसलिए थोड़ा आसान हो जाती है चीजें। और फ्रेम उतरने के बाद का एक्सपीरियंस? फ्रेम उतरने के बाद तो पूरा ऐसा मीन्स नॉर्मली लगता है, 2 दिन के बाद सारी चीजें ना पहले जैसी हो जाती है, पेन लेवल तो पूरा ही घट जाता है, कोई पेन किलर की नीड भी नहीं होती बाद में ना। आपने ऑल ओवर इतना पेन को कैसे मैनेज किया है यहाँ पे? आप अगर बात करें कि पेन लेवल, पेन मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पे ड्यूरिंग लेंथनिंग? तो काफी अच्छा है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात हो तो सर से डायरेक्टली कॉल करके वो पूछ सकते थे। 24/7 आपके लिए अवेलेबल? हाँ, 24/7 हर समय हम पूछ सकते थे कोई दिक्कत भी। और हॉस्पिटल के टाइम पे अगर ऑपरेशन के बाद की बात करें तब? उस हॉस्पिटल में तो बहुत सारा स्टाफ अच्छा था, केयर उधर भी अच्छी हो चुकी थी सारी, यहाँ आने के बाद भी फिर पेन तो अभी आप वॉक कर पा रहे हैं? हाँ, अभी वॉक तो मेरी क्रचर पे काफी अच्छी आई है। तो यहाँ पे आप टाइम कैसे स्पेंड करते थे? अगर आप बात करें 4 महीने बहुत लंबा टाइम होता है ना, सो कैसे आप यहाँ पे कैसे टाइम स्पेंड करते थे अपना? क्या आपका डेली रूटीन रहता था? मैं तो स्टूडेंट था, मेरे लिए टाइम बिताना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी एक मन थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि क्या ही करवा लिया। बाद में थोड़ा सारे पेशेंट से बातचीत करके, टीवी थी, ये सारी चीजों में वक्त बिता ही
रहता था मोबाइल फोन या वो, इसमें माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हर बार यही माइंड में रहता है, इसीलिए इसके बाहर निकलना थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पेशेंट सारे ऐसे हंसी मजाक होता है, जिम में काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं हम, रात में मूवीज वो देखते थे, उससे काफी अच्छा टाइम हमारा बीत जाता था ऐसे ना। अराउंड यहाँ पे 15-20 पेशेंट, हाँ 15-20 पेशेंट है, इसलिए बातचीत करने में थोड़ा आसान रहता था। जिम में सब लोग एक साथ बैठ के रात को टीवी वगैरह और रूम पार्टनर होता है, इससे कोई बोरिंग नहीं होता, वो बातचीत चली रहती है, हर बार टाइम पास हो ही जाता था। ट्वाइस अ डे आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह वो सारा डेली रूटीन, दो टाइम दिन में एक्सरसाइज होती है, उसमें टाइम निकल जाता है खुद से एक्सरसाइजेस और मशीन है अलग अलग। इवन यहाँ पे जिम में भी आप अपना टाइम स्पेंड करते? जिम में तो काफी सारा टाइम स्पेंड कर सकते, दिन निकल जाता था अच्छे से इसमें। सो अगर आप टीम के बारे में कम शब्दों में अगर बताना चाहें, यहाँ का एक्सपीरियंस के कैसा आपको, कैसा रहा अभी तक का, जैसे आपका अभी जाने का टाइम है, मतलब 2-3 डेज में इनका अभी वापस जाने का, इनका घर जाने का है, सो अगर आप बताएं कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा है तो क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे ऐसे इमोशनल अटैचमेंट हो चुके हैं सर के साथ, सबके साथ, स्टाफ के साथ। वही ना कि हाइट इंक्रीज इन 14 के पहले में बारे में सोचा था अच्छा होगा, वो सारी जर्नी में हेल्पफुल रहा है पूरा टीम। सो अभी आप वॉक कर पा रहे हैं? हाँ वॉक अच्छी आ रही है मेरी अभी। अगर आप अपना सजेशन देना चाहें कि जो हाइट इंक्रीज के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो आना चाहें, कैसे वो अपना रिसर्च करें सारा, आप बताना चाहेंगे उनके लिए कोई सजेशन? वही कि रिसर्च पहले तो खुद से कर ले ऑनलाइन यूट्यूब द्वारा वो सभी, बाद में यहाँ आके आप लाइव पेशेंट से मिल सकते हैं, वही ना कि पता चल जाएगा और सक्सेस स्टोरीज है बहुत सारे, इसलिए आप, मैं रिकमेंड करता हूँ हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ जाने का। सो ये था हमारा पेशेंट का अभी तक का एक्सपीरियंस, और फर्दर क्वेरी लिम लेंथनिंग या रिकंस्ट्रक्शन की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।